तो क्या होगा उसमें, आपको जब जितने एट्रीब्यूट्स कंपेयर कर रहे हो आप, ठीक है, जैसे आपने एक से ज्यादा दो एट्रीब्यूट्स पे कंपैरिजन किया, चार एट्रीब्यूट्स पे कंपैरिजन किया, एक से ज्यादा अगर आप एट्रीब्यूट्स पे कंपेयर कर रहे हो, तो सारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो सेम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होने चाहिए। यानी कि अगर आप सिंपल कंपेरेटिव डिग्री लगा रहे हैं तो कंपेरेटिव डिग्री में ही सारे रहने चाहिए। अगर आप लगा रहे हैं सुपरलेटिव, तो सारे फीचर्स जो हैं वो आपके सुपरलेटिव में होने चाहिए। ठीक है, अब 16th रूल क्या है? 16th रूल में बोला गया है कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिनके आगे हम ER या EST नहीं लगा सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, उसके आगे आप ER EST लगा के उसका चेंज नहीं कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो उसी तरह कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आपको कंपैरिजन करने के लिए देन वाला फॉर्मेट या ए एज वाला फॉर्मेट यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए परफेक्ट हो गया, ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि दिस पेंटिंग इज परफेक्ट, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं किसी पेंटिंग को देख के बोल रही हूँ कि दिस पेंटिंग इज परफेक्ट, इसका क्या मतलब हुआ? ये पेंटिंग परफेक्ट है। हाँ, परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब सबसे अच्छी है, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, यही परफेक्ट का मतलब होता है। हाँ, तो यहाँ पर सबसे अच्छी है या इसमें कोई कमी नहीं है, इसका मतलब कि ये कंपैरिजन हो ही रहा है ना, किसी ना किसी से तो कंपेयर कर रहे हैं वो, कि कोई पेंटिंग है जो जिसमें कमी है, कोई ये वाली जो पेंटिंग है इसमें कमी नहीं है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट अगर आप परफेक्ट बोल रहे हो, इसका मतलब कंपेरिजन वो आप ऑलरेडी कर रहे हो, और जिसके बारे में आप परफेक्शन बता रहे हैं वो ऑलरेडी उसका वो बेस्ट है, ठीक है, वो एक्सट्रीम कंडीशन में, सॉरी एक्सट्रीम कंपेरिजन हो रहा है वहां पर, ठीक है, वहां पर उससे बेहतर कोई नहीं है, इसीलिए एक्सट्रीम कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव वर्ड ना यूज करके हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, और यहाँ पर आपको देन वाला फॉर्मेट नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर राम इज वाइसर एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम, है ना, इसमें एब्सोल्यूट हो गया, परफेक्ट हो गया, फुल हो गया, कंप्लीट हो गया, इन सब वर्ड्स में आपको देन वाला फॉर्मेट, एज वाला फॉर्मेट, ये वाला जो है फॉर्मेट जो एज वाले हम लोग पढ़ते थे, उस फॉर्मेट में भी आपको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू मेक अ सिंपल स्टेटमेंट एंड इट विल बी इनफ फॉर कंपैरिजन प्लस एक्सट्रीम कंपैरिजन, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि माय वर्क इज कंप्लीट, दैट मींस मेरा कुछ भी काम बचा नहीं है, सारा काम हो गया है मेरा, राइट। तो जब सारा काम हो गया मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब कि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि जो बाकी लोग हैं, या फिर मान लो कोई और काम है वो बचा हुआ है, ये वाला काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो कंपैरिजन तो हो रहा है बट इट इज अंडर स्टेटमेंट, ठीक है, आप उसको स्टेटमेंट में मेंशन नहीं कर रहे हो देन एज कुछ लगाकर, वो ऑलरेडी वहां पर कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन जो है वो एक्सट्रीम कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ आपको मतलब ये फॉर्मेट लगाने की जरूरत नहीं है। इट जस्ट मेक्स अ स्टेटमेंट एंड इट इज कंपेयर्ड विद इन द स्टेटमेंट एंड इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज एक्सट्रीम कंपैरिजन, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर काइंड और सॉर्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा कि काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ जो होता है उसमें आप ये जो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, जैसे दीज काइंड ऑफ पीपल और दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो आप जब भी कंपैरिजन करते हैं तो काइंड ऑफ वाले जो वर्ड कंपैरिजन में होते हैं, जैसे काइंड ऑफ शर्ट यहाँ पर बोला गया सेंटेंस में, आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ शर्ट, तो काइंड ऑफ शर्ट हो सकता है कि मैं चेक शर्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, या फिर कोई मेल पर्सन है वो चेक शर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब वो चेक शर्ट की बात कर रहा है, उसे चेक शर्ट वाला कोई भी शर्ट पसंद नहीं आता है, हालांकि वो प्लूरल है, लेकिन जो काइंड है, ठीक है, काइंड तो एक सिंगल यूनिट हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं चेक शर्ट बोल रही हूँ, तो चेक शर्ट वाला टाइप जो है एक ही टाइप का चेक शर्ट होता है ना, दो कलर के मिलाकर बनता है, ठीक है, तीन कलर को मिलाकर बनता है, जो भी है वो चेक शर्ट का क्या मतलब है, मल्टी कलर हो गया, वो चेक चेक रहेगा, है ना, तो वो एक ही यूनिट में काउंट होगा। तो जब सिंगल यूनिट में काउंट हो रहा है, तो आपको यहाँ पर काइंड और सॉर्ट के आगे दीज और दोज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीज और दोज तो हम लोग प्लूरल के लिए यूज करते हैं, है ना। तो जब प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं और काइंड ऑफ शर्ट बोल रहे हैं जो कि एक सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें क्या जरूरत है दीज और दोज लगाने की, हम क्या लगा देंगे इसकी जगह, दिस और दैट लगा देंगे,
यहाँ पर सेंटेंस का करेक्शन करिए आप, आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ शर्ट. करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? काइंड ऑफ शर्ट भले सुनने में प्लूरल लगे, बट यहाँ पर एक सिंगल आइडेंटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. कोई एक टाइप की शर्ट है जो स्पीकर को पसंद नहीं है, तो इसमें क्या सेंटेंस में करेक्शन होगा? सेंटेंस में क्या करेक्शन होगा? आई डोंट लाइक दिस काइंड्स ऑफ शर्ट. सॉरी फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी. I don't like that kind of shirt. Yes, that kind of shirt, this kind of shirt. ठीक है, यही format होगा. That कब बोलेंगे? That आप तब बोलेंगे जब आपके सामने वो shirt नहीं हो. ठीक है, जैसे मैंने अभी shirt, check shirt बोला, तो तब आपके सामने वो shirt नहीं है ना, आप बस imagine कर रहे हो कि ये वाली shirt है, मुझे नहीं पसंद है. ठीक, yes, sorry. तो उस time में आप that लगाएंगे. अगर आपके सामने है, मान लीजिए मैं आप मम्मी पापा के साथ मॉल गए, ठीक है, मम्मी ने आपको एक चेक शर्ट सामने लाके बोला कि ये वाला देखो कैसा लग रहा है, आपने मना कर दिया, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? दिस बोलेंगे, क्योंकि वहां पर आपके सामने वो चीज है ना, आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हो कि ये वाली मुझे पसंद नहीं है. Yes. ठीक है, हाँ, तो वहां पर आप दिस लगाएंगे. समझ गए? कोई डाउट इस रूल में? Yes, नैना? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो लास्ट दो जो रूल हैं ये आपको दूसरा फॉर्मेट बता रहे हैं टू कंपेयर. ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने देन से कंपेयर किया था, ठीक है, या एज से कंपेयर किया था, तो और एक फॉर्मेट होता है इस टाइप का कंपैरिजन, वन ऑफ, फिर उसके आगे कंपैरिजन, देन इफ नॉट, उसके आगे कंपैरिजन, देन सुपरलेटिव फॉर्मेट में ये कंपैरिजन होता है. सारे जो कंपैरिजन होंगे ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाएंगे. इसका मतलब क्या हुआ? वन ऑफ जो होता है, ठीक है, इधर और पढ़े थे ना, इधर कॉफी और टी, ठीक है, नाइदर कॉफी नॉर टी, तो उसी तरह वन ऑफ टी, और यू कैन से इफ नॉट, इस टाइप का कोई भी कंपैरिजन हम इधर और की तरह करते हैं. तो कैसे करते हैं ये देखिए. सॉरी, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर. अब मुझे ये बताइए कि जब आप ग्रेटेस्ट राइटर बोल रहे हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट मतलब तो आप उसको एक्सट्रीम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन हो रहा है, मतलब वो ग्रेटेस्ट है, वो सबसे अच्छा है, तो यहाँ पर उसने ऐसा क्यों बोला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर? वन ऑफ द मतलब एक से ज्यादा ग्रेटेस्ट राइटर है, तो जब आप बोल रहे हैं कि वो सबसे अच्छा है, तो उसका एक ग्रुप कैसे हो सकता है? बोलिए, कुछ बोल रहे थे. यहाँ पर अगर राइटर जो है, ठीक है, राइटर्स लिखा गया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, जब ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं दैट मीन्स वो ऑलरेडी सबसे अच्छा है, तो उसका ग्रुप कैसे हो सकता है? ठीक है, एक से ज्यादा कैसे हो सकते हैं जब वो सबसे अच्छा है? तो अगर मैं कहूँ कि लेट्स से आई से कि अमेरिकन फ्लेवर ऑफ लेज इज वन ऑफ द मोस्ट डिलिशियस फ्लेवर्स. ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट डिलिशियस, जब मैं मोस्ट डिलिशियस बोल रही हूँ तो वन ऑफ क्यों लगाया मैंने? मोस्ट, अगर देखो पहले यहाँ पर, देखो यहाँ पर कंपेरिजन जब आप करते थे सुप्रीम वाला, सॉरी सुपरलेटिव वाला, तो एक ही चीज लगती थी, हाँ ना, तो यहाँ पर क्यों लग रहा है वन ऑफ? क्यों लग रहा है मैं बताती हूँ, इसलिए लग रहा है बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ओपिनियन. जैसे मेरा जो फेवरेट लेस का फ्लेवर है वो आपके लेस के फेवरेट से अलग हो सकता है कि नहीं? Yes, जरूरी तो नहीं कि मुझे जो पसंद है, हाँ, जो मुझे जो पसंद है वो आपको पसंद हो, है ना? तो जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, ठीक है, मान लीजिए हम अगर पोल करते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा लेस का फ्लेवर है, ठीक है, मान लीजिए कि दो फ्लेवर या तीन फ्लेवर हैं जिनका वोटिंग एकदम सेम आया, ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि वो जो तीनों फ्लेवर हैं वो तीनों फ्लेवर सबसे बेस्ट हैं, तो तीनों को आप हटा तो नहीं सकते हो क्योंकि वो इक्वल मेजरमेंट में आ रहे हैं, आप तीनों में से किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हो. तो उस टाइम में क्या आप करोगे? वन ऑफ द का यूज करोगे, इस फॉर्मेट का यूज करोगे.
कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, दैट मींस मेरा जो फेवरेट राइटर है या आपका जो फेवरेट राइटर है, तो हमने सबको कंसिडर कर लिया. और मेरा जो है, अगर मैं उसको बोलूंगी कि सबसे अच्छा है, तो मैं कैसे बोलूंगी? जो इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा जाता है ताकि, देखिए, मेरा जो फेवरेट राइटर है, अगर मैं सब आपके सामने बोलूंगी, मान लीजिए आपका तो कोई दूसरा फेवरेट राइटर है, मैं आपके सामने बोलूंगी कि नहीं, मैं जो पढ़ रही हूँ जिसकी किताब, वही सबसे अच्छा राइटर है, तो लड़ाई हो जाएगी, है ना? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो लड़ाई हो जाएगी. तो उस लड़ाई को हम लोग रोकने के लिए इस फॉर्मेट में करेंगे ताकि आपकी भी रिस्पेक्ट रहे, मेरी भी रिस्पेक्ट रहे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, मतलब आपका भी ले लिया मैंने, मेरा भी ले लिया, लेकिन मेरे ओपिनियन से वो सबसे अच्छा है. ठीक है, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, मतलब अगर आप मानते हैं ऐसा कि मेरा जो राइट जिस जो राइटर मुझे पसंद है वो सबसे अच्छा नहीं है, ठीक है, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, मतलब मान लीजिए कि आप मेरा जो राइटर है, फेवरेट राइटर है, वो सबसे अच्छा नहीं है, तो भी वो सबसे अच्छों का जो ग्रुप है, सबसे अच्छे लोगों राइटर्स का जो ग्रुप है, उनमें से एक जरूर है. ठीक है, ये इस लाइन का मतलब हुआ. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर. समझ में आया? Yes, ma'am. कोई डाउट इसमें कैसे ये फॉर्मेट बना? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूल, मतलब ये एक नोट करने वाली बात ये है कि पहला जो पार्ट है सेंटेंस का, यहाँ पर जो नाउन है वो है प्लूरल और यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, ये चीज मत गड़बड़ कर देना. ठीक है, आप पहले पार्ट में जब आप लगाएंगे तो प्लूरल में लगाएंगे, सेकंड पार्ट में सिंगुलर में लगाएंगे. ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. चलिए, तो 19th रूल में क्या कह रहा है, और एक फॉर्मेट बता रहा है. ठीक है, इस फॉर्मेट को अगर मैं मैथ्स में लिख के दिखाऊं आपको तो आप ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे. कैसे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7. ये कंपैरिजन कैसे होता है बताइए, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे नहीं पता, मैथ्स वीक है मैम मेरा. अच्छा अच्छा, कोई और बच्चा जो बता दे? नैना बता दोगी इसको? और कौन कौन है? सृष्टि, पवन, कोई जो इसको बता दे कि ये कंपैरिजन कैसे हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7. हाँ बोलिए. x बड़ा है और बराबर भी है 7 के, तो हाँ मतलब ये सेट हो गया. ठीक है, या तो x हाँ. जो है वो उसको या तो 7 के बराबर है या फिर 7 के बड़ा है. ठीक है, तो इस टाइप का जब कंपैरिजन करते हैं जहां पर आप श्योर नहीं है कि या तो बराबर है या फिर बड़ा है, ठीक है, आप श्योर नहीं है, तो यहाँ पर क्या इंग्लिश में इस टाइप का सेंटेंस लिखेंगे, शी रन्स एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन शाम, मतलब अगर वो उसके बराबर, मतलब ज्यादा तेज नहीं दौड़ती है शाम से, तो उसके बराबर जरूर दौड़ती है. ठीक है, मतलब आप श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा तेज दौड़ता है, तो आप क्या करेंगे कि आप करेंगे क्या कि बोलेंगे वो बराबर दौड़ती है, अगर बराबर नहीं दौड़ती है तो वो उससे ज्यादा ही तेज दौड़ती होगी. ठीक है, मतलब ऐसा जैसे हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग कि वो उतनी ही अच्छी है, नहीं तो उससे तो ज्यादा ही अच्छी है ना, इस टाइप का बोलते हैं ना सेंटेंस आप, तो उसी टाइप का कंपैरिजन. हाँ, तो यही इंग्लिश में इसी फॉर्मेट पे आप लिखेंगे कि शी रन्स, देखो यहाँ नीचे भी है, ही इज एज गुड एज इफ नॉट, यहाँ पे सॉरी कॉमा लगेगा, इफ नॉट बेटर देन यू, है ना? ये कंपैरिजन समझ गए कैसे हुआ यहाँ पर? तो सनी मैथ भी क्या फिर भी समझ में आ जाएगा? ठीक है, इंग्लिश में समझ लो, मैथ्स में नहीं आया तो. ठीक है, तो ये कंपैरिजन में कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मेट पता चल गया कैसे हो रहा है कंपैरिजन? No, क्यों लगाएंगे? चलिए, देन मूविंग ऑन, ये सारे रूल्स जो हैं ये कंप्लीट हो गए. ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको मैं भेज दूंगी. ठीक है, एक क्लास तक मैं टाइम दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास. अच्छा, ये फाइल मैंने भेज चुकी है आपके? चलिए ठीक है, तो मैं फिर भी आपको टाइम दे रही हूँ. ठीक है, अगर कल तक मेरे पास क्वेश्चंस सारे बन गए तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी वर्कशीट का, अगर नहीं बने तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डाउट्स भी डिस्कस करेंगे. और एक चीज, ये आपका होमवर्क है कि हर एक जो रूल है, ठीक है, इस पे आप सेंटेंसेस सर्च करेंगे. ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सेंटेंस इसको कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब जो रूल है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछेंगे. ठीक है,
ट्राई टू मतलब इसके अगेंस्ट वाले सेंटेंसेस आप ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास डाउट पूछेंगे, अगर डाउट नहीं रहेगा ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वर्कशीट मैं दे दे रही हूँ और टाइमर टाइमर लगा के आप वर्कशीट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार मैंने पहले ही रूल्स की फाइल भेज दी है, तो आप पूरा रूल्स जो भी है सारा पढ़ लें, क्लास में अगर डाउट है तो डाउट भी पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट के नेक्स्ट क्लास तक वर्कशीट आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैम चलिए, आपका तो ऑफलाइन क्लास कब होगा? ऑफलाइन क्लास बच्चे मुझे नहीं पता, देख लीजिए जैसा भी होगा, अभी तो रूटीन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, जब होगा तो यू विल गेट टू नो। अच्छा, यस मैम। बिफोर बिफोर द मीटिंग एंड्स, एक मिनट रुक जाइए। यस, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसका ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास से सीधा रोल्स डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यस मैम। टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या होता है बताइए मुझे, कोई वर्ब क्या होता है? वर्ब पढ़ा था ना, क्रिया बोलते हैं हिंदी में, वर्ब क्या होता है? सोचो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं वर्ब को। अच्छा, वर्ब क्यों जरूरी है ये बताओ तो। वर्ब हमारे सेंटेंस में क्यों जरूरी है? अगर हम वर्ब नहीं लगाएं सेंटेंस में तो क्या सेंटेंस पूरा नहीं होगा? कुछ पूछ रही है क्या मैम? वर्ब वर्ब क्या होता है बच्चे? कुछ काम कर रहा है जैसे रनिंग वगैरह। मैम फाइट, रिश, रन, डू। हाँ हाँ एकदम सही एकदम सही। रिशु राज आपके क्लास का है? नो मैम। ओके, हाँ, तो वर्ब जो होता है, आप जो भी काम कर रहे हैं ठीक है, वट एवर यू आर डूइंग, इफ यू आर वॉकिंग, इफ यू आर रेस्टिंग, इफ यू आर स्लीपिंग, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं तो वही आपका वर्ब है। दैट मीन्स एवरीथिंग यू डू, ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं। हाँ, तो यस वर्ब मैम। कितने टाइप के होते हैं? फोर टाइप्स। फोर टाइप्स, ओके, कौन से मैम? इंस्ट्रक्टिव वर्ब, ट्रांसलेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड पैसिव वर्ब। ठीक है, दो तो सही बोला है, दो का नाम शायद आपने, ठीक है, हो सकता है उसका दूसरा कोई नाम हो, ठीक है। जो चार आपके वर्ब्स हैं, ठीक है, बेसिकली आपका ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो दो टाइप का होता है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब किसे कहते हैं? मेन वर्ब किसको बोलते हैं? सी, मेन वर्ब होता है जो भी वर्ड्स आपके डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं सेंटेंस में बोलूं कि ही इज स्लीपिंग, ठीक है, तो यहाँ पर स्लीपिंग जो है, ठीक है, ये वर्ब है, इसमें तो डाउट नहीं है ना किसी को, स्लीपिंग वर्ब है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो स्लीपिंग जो है, ठीक है, स्लीपिंग आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। क्यों ऑक्सिलरी वर्ब है? क्योंकि इसका मेन फॉर्मेट क्या होता है? स्लीप होता है, ठीक है। मेन वर्ब आपका हो जाएगा स्लीप, और स्लीपिंग जो है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो इन दोनों ब्रॉड सेक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मेन वर्ब का दो होता है, एक ट्रांजिटिव, एक इनट्रांजिटिव, और एक्सिलरी वर्ब का दो होता है, प्राइमरी और मॉडल, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है, जो फाइल मैंने भेजी है एडजेक्टिव की, उसको एक बार 5 मिनट देखो, अभी किसी को कोई डाउट है तो उससे पूछो।
यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर, मैं आप बताएंगे वही मैं टिक करूंगी, ठीक है? यहाँ पता चल जाएगा आंसर आपको कौन सा सही है। वी सॉ डैश एनिमल्स एट जू, मैनी है फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी मच है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड मैनी, सो मैनी, ऑल, क्या होगा? मैनी हो सो जाएगा, मैनी, मैनी हो जाएगा, मैनी मैनी। अच्छा मैनी है और सो मैनी है, ठीक है और कोई? बाकी कोई नहीं है मैम, बस यही दो दिखे। अच्छा ठीक है, तो नहीं कोई और एक बोल देता ना तो फिर इवन वेट वोट हो गया ना, ऑड वोट होता तब ना कोई एक टिक करते, अब एक ही आंसर मैम होगा इसमें। ए, हम ही बोल देते मेरा अच्छा मैनी है, एक ऐसे बोल, नहीं, मैनी और सो मैनी में हो रहा है तो कोई और एक एक्स्ट्रा बोल दो तो देन विल टिक मैम दैट। मैं ही बोल देती हूँ, एक ए हम बोल देते हैं, सनी डी बोल देता है, हो गया चारों। मैम यस हो गया, चारों हो गया। अच्छा तो टिक कौन सा करूँ ना मैं, तो तुम तो सो दो मैनी, बोल रहे हो मैं सो मेनी। सो मैनी, अच्छा करके देखते हैं सो मेनी होगा मैम कि एक आवाज और आया है सो मैनी की तरफ से। सी सी। अच्छा देखो सनी का करेक्ट हो गया मेरा आंसर। सही है मेरा। सो मैनी इसीलिए नहीं होगा, देखो सो मैनी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जू में होते हैं ना लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनिमल्स होते हैं, ठीक है? तो मच इसलिए नहीं होगा क्योंकि मच हम लगाते हैं, हाँ मच लगाते हैं हम पीपल के साथ, ठीक है? मच जब लगाते हैं तो टू मच क्राउड, ठीक है? तो जब ह्यूमंस की बात होती है तो वहां पर मच लगाएंगे, ठीक है? सो मैनी इसलिए नहीं लगा है क्योंकि वहां पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनिमल्स रहते हैं, ठीक है? या तो मान लीजिए 10 एनिमल रहे, 11 एनिमल रहे, ऑल तो हो ही नहीं सकता है, सारे जानवर तो आप पाएंगे नहीं जू में कोई भी, तो इसीलिए मैनी रहेगा इसका आंसर, ठीक है? नेक्स्ट बताइए, इट्स रेनिंग। हैवी मैम ए मैम सी ए, मैम और सी कोई? सी सी मैम चलिए सी सी का दो दो वोट हो गया तो सी को ही करते हैं ठीक है इस बार, ठीक है? सी इज करेक्ट, हैवी इसीलिए नहीं होगा बच्चे, हैवी जो होता है ना इट इज रेनिंग हैवी जो होगा ये इसका करेक्ट फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको फॉर्म जो लगाना है कंपेरेटिव लगाना है, ठीक है? तो हैवी जो है वो कंपेरेटिव नहीं है, हैवीली होगा, हैवियर होगा जब यहाँ पर हैवियर देन कुछ लगेगा, तो हैवियर नहीं लग सकता है, हैवीएस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर वहां पर फिर से कंपैरिजन हो रहा, तो किस चीज का कंपैरिजन होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता कि इस ईयर इस साल, ठीक है, दिस ईयर इट रेन्ड हैवीएस्ट, तब वहां पर आप सुपरलेटिव कंपैरिजन लगा सकते थे, तो यहाँ पर देखिए ना इतना दो चीज कंपेयर की जा रही है, यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट पे कंपैरिजन हो रहा है तो हैवीली लगेगा, ठीक है? नेक्स्ट है आई मैनी डोंट हैव डैश फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। मैनी 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 अच्छा दो वोट आ गया, चलो मैनी के लिए, और कोई वोट करेगा किसी और के लिए कि मैनी टिक कर दे? इस बार नहीं बोलूंगा। ऐसे थोड़ी होता है, गलती गलती हो गया तो आप बोलोगे ही नहीं, गलती करोगे मैनी ही तभी तो। होगा। अच्छा चलिए मैनी देखते हैं क्या आंसर है, मैनी होगा, ठीक है? मच मोर नहीं होगा क्योंकि मच और मोर दोनों ही कंपेरेटिव है, ठीक है? मच जो है, मच और मोर दोनों ही कंपेरेटिव है, दोनों साथ में यूज नहीं होगा। सो मनी फिर से वही बात होगी, सो मनी जब तब यस होगा मैम, जब आपके पास फाइनाइट नंबर नहीं हो, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, मैनी होगा, ठीक है? इट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ पर लगा हुआ ये आंसर, द ब्राइड्स वर मच डैश देन द ग्रूम्स, ब्राइड और ग्रूम्स का मीनिंग किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। नहीं मैम हाँ सी, ठीक सी की मैम सी बी होगा यंगस्ट सी होगा, अच्छा सी सी डी सी। होगा। अरे तुम चेंज कर रहे हो अपना आंसर, या तो सी बोलो या तो बी बोलो, मैम मैंने दोनों तो सी बोला, सी मेरे को लग रहा है। अच्छा सी की बी, सी के लिए कितने हैंड रेस करता हूँ? द ब्राइड वेयर मच डैश देन द ग्रूम, यंगर देन द ग्रूम, मैम बी यंगर, यंगेस्ट नहीं, यंगर मैम बी,
अच्छा बी के लिए कितने लोग हैं, हैंड रेस कर दो, तो हैंड रेस करो, पता चलेगा कितना वोट मिल रहा है बी मैम को। कंफ्यूजन हो रहा है बी और सी में। बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है, चलिए ठीक हाँ है। तो बी और सी में मेरा वोट जाएगा बी को, ठीक है। हाँ, बी यंगर से होगा, हाँ यंगर होगा, यंग क्यों यंगर होगा, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट का मतलब आप समझिए, ठीक है। स्टेटमेंट का मैम मतलब ये यंगेस्ट। है, हाँ यंगेस्ट नहीं होगा ना, यंगेस्ट तब वही होता तो मैम, जब यहाँ यंगेस्ट पर नहीं एक होगा, चीज रहती, ठीक है। यहाँ यहाँ देखिए सिंगुलर नहीं है, ठीक है, द ब्राइड्स है। ब्राइड्स, हाँ यहाँ पर भी प्लूरल है, यहाँ पे भी प्लूरल है। तो जब आप सुपरलेटिव कंपैरिजन जब आप करते हैं, दैट मींस एक चीज है जो सबसे बेस्ट है ना। तो जब एक चीज सबसे बेस्ट होगी तभी तो सुपरलेटिव लगाएंगे। जब एक से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, दो यूनिट में है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म लगेगा, ठीक है। चलिए ठीक अच्छा है, यहाँ पर और तो क्वेश्चन नहीं है। चलिए 6 मिनट बचे हैं, और किसी को कोई